कोरोना वायरस का इलाज पता लगाने के लिए दुनिया भर में कई शोध चल रहे हैं। अब इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस को खत्म करने वाला एंटीबॉडी विकसित कर लिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इस बारे में कहा गया है कि यह एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। इस दवाई का नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यह कैसे काम करता है उसे हम जानेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो समान इम्यूनिटी सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक अद्वितीय मूल कोशिका के सभी क्लोन होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में इसके विपरीत आमतौर पर कई अलग अलग प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी इम्यूनिटी सेल द्वारा बनाए जाते हैं। लगभग किसी भी पदार्थ को देखते हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन करना संभव है। जो विशेष रूप से उस पदार्थ को बांधता है वे तब कोरोना वायरस का पता लगाने या शुद्ध करने के लिए सेवा कर सकता है। यह जैव रसायन आणविक जीव विज्ञान चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है। इसराइल रक्षा मंत्री के मुताबिक एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका था और संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है, जिसके बाद इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम किया जाएगा। लेकिन जानकारों के मुताबिक इसराइल के परीक्षण की जानकारी आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर कितना काम करता है।